हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 दिसंबर 2019 को हुए एमसीएल के ओभरमेन के एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि 80 क्वेश्चंस माइनिंग से रिलेटेड, जो टेक्निकल बोलते हैं उससे 80 क्वेश्चंस थे, और 20 क्वेश्चंस जीके और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस जो था नॉन टेक्निकल से, तो उस टोटल 20 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन ट्रिक के साथ में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही इसके पीछे टाइम देना पड़ता है। तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए, और कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीएल के ओभरमैन के एग्ज़ाम्स में जीके से 14 क्वेश्चन और मैथ से 6 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जीके को क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में आगे मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन का नंबरिंग है वो सीरियल वाइज नहीं है, क्योंकि मेमोरी से याद क्वेश्चंस है, और इसको जो इस लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो सेम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन सेम है पर लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है। और जो ऑप्शंस हैं, तो इसके किसी किसी क्वेश्चंस में जो अच्छे से याद थे ऑप्शंस, उसको ऑप्शन भी बनाए गए हैं, और ऑप्शन नहीं याद था, सिर्फ उसका आंसर ही दिया हुआ है, पर राइट आंसर ही दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीएल का कोयला किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है उड़ीसा है, यानी कि एमसीएल का कोयला जो है सिर्फ उड़ीसा एक ही राज्य में फैला हुआ है। तीन और तीन ऑप्शन थे जो कि रॉन्ग आंसर था, तो सिर्फ इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिर्फ जमीन से घिरी हुई है? तो यहाँ पे 4 स्टेट का नाम दिया हुआ, जो लैंड लॉक स्टेट है वो कौन सा है, यानी कि जिसके चारों ओर समुद्र नहीं होने चाहिए, पानी से घिरी हुई नहीं होना चाहिए। ऑप्शन से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ को छोड़ के जो तीनों स्टेट हैं चारों ओर पानी से, चारों ओर नहीं तो किसी ओर तो पानी से घिरे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राज्य उड़ीसा के सीमा को नहीं छूता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जो उड़ीसा के सीमा को नहीं छूता है? तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड, ये तीनों राज्य जो हैं उड़ीसा के सीमा को छूता है, और महाराष्ट्र तो बहुत दूर है उड़ीसा से, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के सीमा को नहीं छूता है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन थे, लेकिन कि यहाँ पे राइट आंसर होगा सिर्फ महाराष्ट्र, जो मुझे याद था, ऑप्शंस उतने ठीक से याद नहीं है, और महाराष्ट्र के रेजन डिस्ट्रिक्ट में सांची का स्तूप स्थित है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैंड स्लैम वर्ड किससे संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम वर्ड जो खेल, किस खेल से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस, यहाँ पर खेल नहीं होगा, क्षेत्र होगा, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिनेमा। दादा साहेब एक व्यक्ति थे जिन्होंने ही सिनेमा को इंडिया में लाया और उन्होंने ही आगे बढ़ाया। तो इसकी शुरुआत 1969 से हुई है, और अभी 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से सीआईएल का सब्सिडरी कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एनएलसी, एनईसी, एनसीएल और एनएलसीआईएल। तो यहाँ पे सिर्फ इसका राइट आंसर है एनसीएल, जो ऑप्शन सी है, एनसीएल जो है कोल इंडिया का सब्सिडरी है। टोटल कोल इंडिया के 8 सब्सिडरी हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल और एनसीएल और एससीसीएल। 7 जो सब्सिडरी हैं वो कोल इंडिया की कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है 7, और सीएमपीडीएल है, ये साइंटिफिक रिसर्च सब करती है। तो ये 8 सब्सिडरी कोल इंडिया के हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये बुक है मैं एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसका लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जेल सिंह, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा।
तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी जो है मोरारजी देसाई, ये राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, शरीर का कौन सा अंग ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है किडनी। जो किडनी है शरीर का ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, पर कहीं कहीं आपको लंग्स भी मिलेंगे, पर ज़्यादा सटीक आंसर आप डॉक्टरों से भी पूछ सकते हैं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, असम का कोयला किस टाइम पीरियड में बना हुआ है? इंडिया में मैक्सिमम जो कोयला है हमारा, जितने झरिया कोल फील्ड और जितने भी कोल फील्ड हैं, तो मैक्सिमम कोयला जो है गोंडवाना गोंडवाना पीरियड टाइम पीरियड में बना हुआ है, पर असम का जो कोयला है वो टर्सियरी टर्सियरी टाइम पीरियड में बना हुआ है। इंडिया का लगभग 98% कोयला गोंडवाना से बना हुआ है, पर असम का याद रखिएगा सिर्फ टर्सियरी टाइम पीरियड में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसके किसके बीच हुआ था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें कि ये इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप में मैच जीता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण संरक्षण कोड किस से संबंधित है? यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण कोड जो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से इंडिया में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया इंडिया में ही सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हम लोग उत्पादन करते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से करते हैं, और वो रिन्यूएबल है, मतलब फिर से उसको हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रो पावर एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इंडिया में, और बायोमास और है सोलर एनर्जी पे भी इंडिया बहुत काम कर रहा है, पर सबसे ज्यादा जब भी है हाइड्रो पावर एनर्जी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स रिलेटेड है, जो 14 क्वेश्चन जीके से हम लोगों ने सब देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स से। तो यहाँ पे मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन है और ऐसे 15वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है 1, 9, 25, 49 --, इस सीरीज में जो 7th नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ, 7वां नंबर आपको पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, जो यहाँ पे ऑड नंबर है, 1 by 1 ऑड नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7वां पूछ रहे हैं, यहाँ पे 4 दिया हुआ है और 7वां नंबर पूछ रहा है, तो ऑड नंबर 7 के बाद 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वां नंबर होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 169। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 है, AGM, BHN और CIO, कोडिंग डिकोडिंग से था, अल्फाबेट से। यहाँ पर पहला जो नंबर है ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो यहाँ पे पूछा गया इसके बाद का अगला जो नंबर होगा वो आगे का कौन सा होगा? तो ए बी सी, तो यहाँ पे देख लीजिए डी और डी, तो ए बी सी के बाद डी होगा, तो ये दोनों में से एक होगा। फिर दूसरा नंबर देखते हैं GHI, आई के बाद क्या आता है? जे। तो यहाँ पर जे दिया हुआ है, जे ही होना चाहिए, डी जे। फिर यहाँ देख लेते हैं तीसरा जो नंबर दिया हुआ, MNO, ओ के बाद क्या आता है? पी। तो DJP इसका आगे का नंबर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा DJP। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ है, 8 के 5 गुणज का एवरेज कितना होगा? एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 5 जो गुणज होंगे, 8 के 5 गुणज उसका एवरेज पूछ रहा है। तो 8 के पहले आप गुणज लिख लें, जो 1, 8, इसके बाद 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, ये 8 के जो है 5 गुणज हो गए, इसके एवरेज पूछ रहे हैं। तो इसको आप जोड़ लें, 16 24 24 48 और 32, 80 और 40, इसको टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो 120। इसके बाद इसका एवरेज कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो एवरेज निकालने के लिए जो है सम ऑफ टोटल नंबर एंड कितने नंबर हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे 120 सम हो गया और कितने नंबर है, 5। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। तो यानी कि एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 का हो जाएगा यहाँ पे 24 एवरेज, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 24। ये भी इजी क्वेश्चन था एवरेज का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अजीत का सैलरी सुजीत की सैलरी से 20% ज़्यादा है, तो सुजीत का सैलरी अजीत की सैलरी से कितना कम होगा। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, अजीत और सुजीत, तो यहाँ पे अजीत और सुजीत लिख लें, तो अजीत का जो सैलरी है वो 20% ज़्यादा है किससे, सुजीत से। तो सुजीत का हम लोग 100 मान लेते हैं, जो सुजीत का सैलरी होगा वो 100 होगा, तो अजीत का कितना होगा, 120। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है इन दोनों का कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसको ट्रिक से हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 20, इसको रखें। और किससे मतलब पूछा क्या गया यहाँ पे, सुजीत का सैलरी अजीत के कितना कम होगा, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा उसको लिखें डिवाइडेड बाय जो कितना ज़्यादा है, 120 है, 20 ज़्यादा है, तो टोटल अजीत की सैलरी कितनी है, 120, उसको डिवाइड करें, और जो सुजीत का सैलरी है वो कितना है, 100 है, माना गया 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए, 20% कम है, 20% अधिक है, तो इसी तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 4 से हम लोग काट लीजिए, 4 3 12 और 25 चौके 100, 25 दूना 50 डिवाइडेड बाई 3, तो 50/3 को हम लोग काटते हैं तो आएगा 3 एकम 3 बचे 2 20, 3 6 18 पॉइंट, फिर बचेगा 2 3 3, सॉरी 3 6 18 20 आएगा तो 6 होगा, 3 6 18, 3 6 18, यानी कि आएगा इसका राइट आंसर 16.66% राइट आंसर यहाँ पे है इसका ऑप्शन बी, यानी कि जो सुजीत का सैलरी होगा अजीत से 16.66% कम होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक व्यक्ति 800 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो यहाँ पे पहले लिखते जाएं, जैसे बोल रहा है 800 किलोमीटर दिया हुआ है और ये कितना कितना समय में तय करता है, 10 मिनट में, तो 1 मिनट में वो कितना तय करेगा, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर वो 1 मिनट में तय करेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 80 किलोमीटर बाय पर मिनट। तो यानी कि इसको हम लोग पर आवर में बदलना है, तो 80 किलोमीटर और मिनट को हम लोग आवर में बदलते हैं, तो डिवाइड 60, तो ये आवर में निकल जाएगा हमारा, तो इसको काट देते हैं 0 0 और फिर 2 चौके 8, 2 3 6, तो 4/3, तो इसको फिर से काटते हैं, 3 एकम 3, 10 बचा पॉइंट देंगे, 3 3 9, फिर 3 3 9, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इतना परसेंट, ऑप्शन ए 1.33%, यानी कि इसका राइट सॉरी 1.33 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड में होगा, 1.33 किलोमीटर पर आवर में होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, राम एंड श्याम दो भाई हैं, सी श्याम का पिताजी है, रेनू एंड रिया दो बहनें हैं, रिया राम की बेटी है, तो रेनू का सी से क्या संबंध है। वर्ड्स इसमें अलग हो सकते हैं और नेम भी अलग हो सकता है, पर क्वेश्चन लगभग इसी तरह से ही दिया हुआ था, तो इसको आप जो पीढ़ी होती है पीढ़ी के हिसाब से समझिए। राम राम है और श्याम, ये दोनों भाई हैं, और शिव श्याम का पिताजी, जो शिव है वो श्याम का पिताजी है, फादर है श्याम का, ये पहला पहला पीढ़ी हुआ, और दूसरा पीढ़ी राम श्याम, और फिर आगे बोल रहा है रेनू और रिया दो बहनें हैं, ये तीसरा पीढ़ी है, रेनू और रिया ये दो बहनें हैं, ये तीसरा पीढ़ी में हो जाता है। इसके बाद बोल रहा है रेनू जो है सॉरी रिया जो है राम की बेटी है, यहाँ पे रिया है ये राम की बेटी, राम यहाँ पे राम की बेटी है रिया, तो यानी कि जो श्याम होगा वो रिया का भी चाचा होगा और रेनू का भी चाचा हो जाएगा। लेकिन आगे पूछ रहा है रेनू का, यहाँ पे रेनू का,
शिव से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी में चल जाएगा, जो राम और श्याम के पिताजी हैं, तो रेणु का सीधी सी बात है दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर होंगे। रेणु का जो शिव है वो ग्रैंडफादर, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रैंडफादर। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो गवर्नमेंट के एग्जाम में नॉन टेक्निकल से पूछे गए थे। किसी में डाउट होता है, यदि किसी भी क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट होता है या फिर कोई आंसर गलत समझ में आता है या फिर रॉन्ग होता है तो हमें कमेंट में, यदि किसी भी क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट होता है या फिर रॉन्ग लगता है कोई भी किस क्वेश्चंस का आंसर, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।